सभी के नेताओं से मुलाकात स्टैंड लेके इतना के कदम जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने जो लिया माइक के ऊपर में पंकज माइक नीचे करिए बिहार के हित में पंकज नीचे कर दो सर तो क्या नेता जो है उनको बधाई होती है उंगली नीचे कीजिए का काम किए आप लोग नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल है सबको एकजुट करना है और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं जो है सब लोग बंद होंगे तो हम लोगों को जहां तक लगता है कि 24 में भाजपा के लिए एनडीए के लिए मुश्किल होगा और सब लोग जान नहीं रहा देश भर में कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो लोग तो इस चीज में माहिर लोग जब आएंगे तो बताएंगे ना कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मंत्री जी और आप लोग जान ही रहे जो हमारे महागठबंधन के साथी है चाहे कांग्रेस पार्टी हो इधर लेफ्ट के हीरो दल हो ऊपर कीजिए सीपीएम हो या सीपीएमएल हो सभी के नेताओं से मुलाकात स्टैंड लेके इतना के जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने जो लिया माइक के ऊपर में पंकज माइक नीचे करिए बिहार के हित में पंकज नीचे कर दो सर तो क्या नेता जो है उनको बधाई होती है उंगली नीचे कीजिए का काम किए आप लोग मोबाइल घुसा दिए हैं तो नहीं तो मिलेंगे सभी लोगों से मिलेंगे जो राष्ट्रपति उनसे भी उनकी मुलाकात आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ साफ ये कहा है मोबाइल और ललन सिंह जी ने भी अध्यक्ष जदयू को साफ तौर पर कहा है नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल है देश भर में सबको एकजुट करना है और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं और एक बड़ा काम है सभी विपक्ष के दल है सबको लामबंद करें गोल बंद करें ताकि जो नॉमिनल फोर्सेस जो है जिस प्रकार से देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है तरह तरह की बातें आ रही हैं उसको लेके के एक जो है सब लोग बंद होंगे तो हम लोगों को जहां तक लगता है कि 24 में भाजपा के लिए एनडीए के लिए मुश्किल होगा लेकिन वो कह रहा है कि लालू जी की तरह नीतीश जी को जेल जाना होगा वो ये कैसे इस तरह की बातों का भाजपा के जो नेता है विपक्ष के हम तो इस पे कई बार बोल चुके हैं भाई कौन डरता है आपके धमकाने से और आप देश में इसीलिए स्थापित हुए हैं कि सबको धमकाएं और डराएं जनता के लिए काम नहीं करें जरा काम पे थोड़ा पूछे तो क्या काम किए इन लोगों ने देश भर में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले विशेष पैकेज देने वाले कहाँ है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई उस पर कोई बात नहीं तो इन लोगों को जो कहना है जो करना है भाई वो स्वतंत्र है करें और सब लोग जान नहीं रहा देश भर में कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो लोग तो इस चीज में माहिर लोग हैं लेकिन करते रहे और इनसे कोई डरने वाला नहीं है भाई हम लोग जो हैं देश के भलाई के लिए देश हमारा आगे बढ़े देश का इकोनॉमी अच्छा हो देश में खुशहाली हो भाईचारा हो काम हो गरीबी हटे इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अमित शाह अमित शाह अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज में महारैली सब लोग स्वतंत्र है ना इस देश में कहीं भी जा सकते हैं जाए आए अब जब आएंगे तो बताएंगे ना कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बताएंगे ना 2 करोड़ में से कितना रोजगार जो है आपने दिया वो बताएंगे ना 15 लाख रुपए हर एक के खाता में आना था मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो इन सारी चीजों पे चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा लेकिन आप लोग सब लोग जानते ही ना
देखिए आप ही लोग इतने सचेत हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, वो आ रहे हैं तो क्या होगा। तो हम लोग तो पूरी तरीके से लोग सचेत हैं ही, और हम लोग किसी भी प्रकार से महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ऐसे चीजों को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे जहां उन्माद फैलाया जाए। ये बात स्पष्ट।